नमस्कार दोस्तों, विज्ञान वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम आठवीं कक्षा के अध्याय जंतुओं में जनन को जारी रखेंगे और आज हम इस अध्याय का दूसरे भाग को समझेंगे। तो आइए जानते हैं कि आज के भाग में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे निषेचन किसे कहते हैं और उसके कितने प्रकार होते हैं। उसके बाद भ्रूण का परिवर्धन समझेंगे। ठीक इसके बाद हम मुर्गी में निषेचन की प्रक्रिया को समझेंगे और इसके बाद हम शिशु से वयस्क के बारे में समझेंगे और अंत में क्लोन क्या है इनके बारे में हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो आइए आज के पहले विषय से शुरू करते हैं और जानते हैं निषेचन के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। जनन प्रक्रिया का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है। हमारे शरीर की बनावट या हमारे कई लक्षण ऐसे होते हैं जो हमारे माता पिता से मिलते जुलते होते हैं। तो इसका मतलब जब शुक्राणु अंडाणु के संलयन के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है, जैसा कि आप दाईं वाली चित्र में देख रहे हैं। बच्चे में कुछ गुण तथा लक्षण पिता से वंशानुगत प्राप्त होते हैं। अब निषेचन के प्रक्रम में स्त्री यानी कि माँ के अंडाणु और नर यानी कि पिता के शुक्राणु का संयोजन होता है। अतः नई संतति में कुछ लक्षण अपनी माता से तथा कुछ लक्षण अपने पिता से वंशानुगत होते हैं। अपने भाई अथवा बहन को देखिए, यह पहचानने का आप प्रयास कीजिए कि उनमें कौन से ऐसे लक्षण हैं जो माता से हैं और कौन से ऐसे लक्षण हैं जो पिताजी से प्राप्त हुए हैं। इससे आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम निषेचन के प्रकार के बारे में समझेंगे। निषेचन दो प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक तथा दूसरा बाह्य निषेचन। अब आइए हम इसके बारी बारी से हम समझते हैं। वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। मनुष्य, गाय, कुत्ते तथा मुर्गी इत्यादि अनेक जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन का चित्र आप देख सकते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अनेक जंतुओं में निषेचन की क्रिया मादा जंतु के शरीर के बाहर होती है। इन जंतुओं में निषेचन जल में होता है। आइए हम पता लगाते हैं कि यह किस प्रकार संपन्न होता है। वह निषेचन की क्रिया जिसमें निषेचन मादा के शरीर के बाहर होता है उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। दोस्तों, हम एक उदाहरण से ऐसे समझते हैं कि बसंत अथवा वर्षा ऋतु के समय किसी तालाब अथवा मंद गति से बहते झरने का आप भ्रमण करें। जल पर तैरते हुए मेंढक के अंडों को ढूंढिए। अंडों के रंग तथा साइज को आप नोट कीजिए। आप क्या पाएंगे कि वसंत अथवा वर्षा ऋतु में मेंढक तथा टोड पोखर तालाब और मंद गति से बहते झरने की ओर जाते हैं। मादा मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे देती है जो जेली की परत के जैसे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जेली की एक परत अंडों को एक साथ रखती है तथा इनकी सुरक्षा भी करती है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। मादा जैसे ही अंडे देती है नर उस पर शुक्राणु छोड़ देता है। प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरते रहते हैं। शुक्राणु अंडकोशिका के संपर्क में आते हैं जिसके फलस्वरूप निषेचन की क्रिया होती है। इस प्रकार का निषेचन जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन
मादा के शरीर के बाहर होता है बाह्य निषेचन कहलाता है। उदाहरण के लिए मछली, स्टारफिश जैसे जलीय प्राणियों में होता है। दोस्तों, अब हमारे मन में एक प्रश्न आ रहा है कि मछली और मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे क्यों देते हैं, जबकि मुर्गी एक समय में केवल एक ही अंडा देती है। तो इसका उत्तर होगा, यह जंतु सैकड़ों अंडे देते हैं तथा लाखों शुक्राणु निर्मोचित करते हैं। सारे अंडों का निषेचन नहीं होता है और वह नया जीव नहीं बन पाते हैं। इसका कारण यह है कि अंडे एवं शुक्राणु निरंतर जल की गति, वायु एवं वर्षा से प्रभावित यानी कि अनावृत होते रहते हैं। तालाब में दूसरे ऐसे जंतु भी होते हैं जो इन अंडों का भोजन करते हैं। अतः अंड कोशिकाओं एवं शुक्राणुओं का बड़ी संख्या में उत्पन्न होना आवश्यक है ताकि उनमें से कुछ में निषेचन सुनिश्चित किया जा सके। तो यही कारण है कि मछली और मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं, जबकि मुर्गी एक समय में केवल एक ही अंडा देती है। आइए दोस्तों, हम अगला विषय भ्रूण का परिवर्धन के बारे में समझेंगे। दोस्तों, निषेचन के परिणाम स्वरूप जो युग्मनज बनता है, जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्धित यानी कि बदल जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। उसके बाद कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती है तथा विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्धित यानी कि बदल जाती है। इस विकसित होती हुई संरचना को हम भ्रूण कहते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है, जैसा कि आप दाईं वाली चित्र में देख रहे हैं। गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है। धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंग जैसे कि हाथ, पैर, सिर, आंखें, कान इत्यादि विकसित हो जाते हैं। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके, गर्भ कहलाता है। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो माँ नवजात शिशु को जन्म देती है। आप चित्र ए में युग्मनज का बनना तथा युग्मनज से भ्रूण का विकास होना को अच्छे से देख सकते हैं। वहीं आप चित्र बी में कोशिकाओं का पिंड यानी कि आवर्धित को आप देख सकते हैं, और चित्र सी में आप भ्रूण का गर्भाशय में रोपण यानी कि आवर्धित को अच्छे से देख सकते हैं। इस तरह से आप अच्छे से भ्रूण का परिवर्धन को समझ चुके हैं। आइए हम जानते हैं कि मुर्गी में निषेचन की प्रक्रिया कैसे होती है। मुर्गी में भी आंतरिक निषेचन होता है, परंतु क्या मनुष्य और गाय की तरह मुर्गी भी बच्चों को जन्म देती है? तो इसका उत्तर होगा नहीं, मुर्गी भी बच्चों को जन्म नहीं देती है। तब चूजे कैसे जन्म लेते हैं, आइए हम इसके बारे में पता लगाते हैं। दोस्तों, निषेचन के फौरन बाद ही युग्मनज लगातार विभाजित होता रहता है और अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता रहता है। इसके नीचे बढ़ने के साथ साथ इस पर सुरक्षित परत चढ़ती जाती है। मुर्गी के अंडे पर दिखाई देने वाला कठोर कवच भी ऐसे ही सुरक्षित परत है। कठोर कवच के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी अंडे का निर्मोचन यानी कि सेती है। मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। आपने मुर्गी को उष्मायन के लिए अंडों पर बैठे देखा होगा। क्या आप जानते हैं कि अंडे के अंदर चूजे का विकास इस अवधि में ही होता है? तो इसका उत्तर होगा हाँ, चूजे के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद कवच के पृष्ठ फूटन के बाद ही चूजा बाहर निकल आता है,
जैसा कि आप सबसे दाहिने वाले चित्र में देख रहे हैं। आइए दोस्तों, अब हम शिशु से वयस्क के बारे में हम समझेंगे। भ्रूण का विकास पूरा होने पर अंडजोत्पत्ति होती है। अपने तालाब में अथवा झरने में मेंढक के अनेक टैडपोल तैरते हुए देखे होंगे। दोस्तों, नवजात जन्मे प्राणी अथवा अंडे से प्रष्टफुटन से निकले प्राणी तब तक वृद्धि करते रहते हैं जब तक कि वे वयस्क नहीं हो जाते हैं। कुछ जंतुओं में नवजात जंतु वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ सकते हैं, जैसे कि रेशम कीट के जीवन चक्र का आप याद कीजिए। उसमें क्या होता है कि सबसे पहले अंडा बनता है, उसके बाद प्यूपा में बदलते हैं, तो उसके बाद वयस्क में परिवर्तित हो जाते हैं। इसको आप सातवीं कक्षा में पढ़ चुके हैं। शिशु से वयस्क का एक उदाहरण है मेंढक। आप मेंढक को चित्र में देख सकते हैं। मेंढक में अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनने की विभिन्न अवस्थाओं यानी कि चरणों का प्रेक्षण करें। आप पाएंगे कि तीन स्पष्ट अवस्थाओं अथवा चरणों को देख पाते हैं। हम क्या देख पाते हैं कि सबसे पहले अंडा बनता है, उसके बाद टैडपोल यानी कि लार्वा में बदल जाता है, उसके बाद वयस्क में परिवर्तित हो जाता है। तो क्या टैडपोल वयस्क मेंढक से भिन्न दिखाई नहीं देते हैं? तो हाँ, आप देख सकते हैं कि किसी दिन यह टैडपोल वयस्क मेंढक बन जाएंगे। तो इस तरह से हम शिशु से वयस्क के बारे में समझ चुके हैं। आइए दोस्तों, अब हम समझेंगे कि क्लोन क्या है। आइए हम क्लोन के परिभाषा को समझते हैं। किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाती है। किसी जंतु की सफलतापूर्वक क्लोनिंग सर्वप्रथम यान बिलमट और उनके सहयोगियों ने एडिनबर्ग यानी कि स्कॉटलैंड में रोजलिन इंस्टीट्यूट में किया था। आप क्लोनिंग प्रक्रिया का उदाहरण चित्र में देख सकते हैं। किसी जंतु की सफलतापूर्वक क्लोनिंग सर्वप्रथम यान बिलमट और उनके सहयोगियों ने एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के रेजलिन इंस्टीट्यूट में उन्होंने एक भेड़ को क्लोन किया जिसका नाम डॉली रखा गया था। डॉली का जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ था। यह क्लोन किए जाने वाला पहला स्तनधारी था। डॉली की क्लोनिंग करते समय फिन डॉर्सेट नामक मादा भेड़ की स्तन ग्रंथि से एक कोशिका एकत्र की गई थी। डॉली के बाद स्तनधारियों के क्लोन बनाने के अनेक प्रयास किए गए, लेकिन बहुत तो जन्म से पहले ही मर गए तथा कुछ की जन्म के बाद ही मृत्यु हो गई। क्लोन वाले जंतुओं में अक्सर जन्म के समय अनेक विकृतियां होती है। तो इस तरह से हम क्लोन को अच्छे से समझ चुके हैं। इस तरह से हम इस वीडियो का सारे विषयों का अध्ययन कर चुके हैं। आइए एक बार फिर से जानते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा है। सबसे पहले हम निषेचन एवं उसके प्रकार के बारे में समझा, उसके बाद भ्रूण का परिवर्धन कैसे होता है इनके बारे में जाना, उसके बाद हम मुर्गी में निषेचन की प्रक्रिया को भी अच्छे से समझा, उसके बाद शिशु से वयस्क कैसे बनते हैं इनके बारे में भी हमने चर्चा किया, और अंत में क्लोन क्या है इनके बारे में भी हमने अच्छे से जाना। आइए जानते हैं कि अगली वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगली वीडियो में हम इस अध्याय का महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यास को लेकर आएंगे। आशा करता हूँ कि आप सभी को आज का वीडियो अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।